आप में से बहुत लोगों ने रेखी सीखा होगा, किसी ने लेवल 1, किसी ने लेवल 2, या फिर किसी ने नहीं भी सीखा हो, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि रेखी क्या है। रेखी एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है। डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ही इज द फाउंडर ऑफ रेकी। ये विद्या हमारे भारत की है, गौतम बुद्ध जी के समय से ये विद्या चली आ रही है, लेकिन इस विद्या पर ज्यादा काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये विद्या धीरे धीरे हमारे भारत से लुप्त हो गई। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ ओशी ने इस विद्या का दोबारा से आविष्कार किया, इसके ऊपर सर्च किया। डॉक्टर मिकाओ ओशी एक टीचर थे, स्पिरिचुअल गुरु थे। उनसे उनके एक विद्यार्थी ने एक सवाल किया, उनसे पूछा एक विद्यार्थी ने कि भैया, जैसे हम लोग किसी को जब हम आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथों से एक ऊर्जा निकलती है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान की फोटो पर से जब वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो एक सफेद रंग की ऊर्जा हाथों से फ्लो कर रही होती है। तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये ऊर्जा क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हाथों के माध्यम से। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसका जवाब ढूंढा और इस जवाब को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी अपने जॉब को रिजाइन करा और बहुत सब जगहों पे घूमे। पूरे संसार में लगभग वो घूमे और जहां भी वो जाते वहां की पूरी भाषा को सीखते, वहां के स्पिरिचुअल गुरु से मिलते और इसके ऊपर रिसर्च करते। बहुत सारी जगहों पे जाने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि ये विद्या भारत से रिलेट करती है। जब उन्हें कहीं पर इसका कोई आंसर नहीं मिला तो वो वापस जापान चले गए और फिर उसके बाद वो भारत। भारत में आने के बाद उन्हें इसका आंसर तब भी नहीं मिला। वो वहां पर गए, वहां पे जहाँ पे गौतम बुद्धा के आश्रम में गए, वहां पे वो रुके, वहां पे वो बैठे, उनके ऊपर बहुत उन्होंने सर्च किया, लेकिन उनको उसका आंसर नहीं मिला। जब वो पूरी तरीके से हताश हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं साधना में बैठ जाता हूँ, और वो साधना में बैठ गए। जब वो साधना में बैठे 21 दिन तक उन्होंने अन्न जल को ग्रहण नहीं किया, उसका त्याग कर दिया और 21 दिन तक वो साधना में बैठ गए। 21 दिन जब उनकी पूरी साधना हो गई और वो बिल्कुल कमजोर हो गए, उनके शरीर से उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, उनको लगा कि अब शायद वो नहीं बचेंगे, अब उनके प्राण नहीं बचेंगे और अब वो मर जाएंगे। ऐसे विचारों में वो उनका दिमाग चल रहा था और ऐसे सोचते सोचते वो एक जगह पे पड़े पड़े सोच रहे थे कि अचानक से एक सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से आई और उस ऊर्जा ने उनको कनेक्ट किया, और जैसे ही वो ऊर्जा उनके ऊपर आई वो एकदम से उठकर खड़े हो गए। और वो ऊर्जा क्या थी? वो ऊर्जा थी हमारी कॉस्मिक एनर्जी, हमारी सफेद रंग की ऊर्जा। जैसे ही वो उसके कनेक्शन में आए वो तुरंत खड़े हो गए। उनको महसूस हुए जो सिंबल्स जिनके ऊपर हम काम करते हैं रेकी के अंदर, वो सभी सिंबल्स उनको यूनिवर्स से मिले। उसके बाद वो इस तरीके से खड़े हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, पूरी तरीके से स्वस्थ, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो नीचे उतरे पहाड़ पर, जिस पहाड़ पे वो बैठे थे साधना के लिए, वहां से जैसे जैसे वो नीचे आए तो उनके उनको एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के कारण उनके पैरों में से ब्लड आना शुरू हो गया। अब जब उनके पैरों में से वो ब्लड आया तो उन्होंने उस अपने पैर को, जैसे ही उन्होंने ऐसे करके पकड़ा उसको अपने पैर को, तो उनका वो पैर का ब्लड वहां से ठीक हो गया। तो उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर वो और नीचे आए, उन्होंने देखा वहां पर एक महामारी फैली हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने धीरे धीरे लोगों को, जैसे जैसे वो लोगों को स्पर्श करते जा रहे थे, लोग ठीक होते जा रहे थे। धीरे धीरे उनको इन चीजों की अवेयरनेस होनी शुरू हो गई, उन्हें समझ में आने लग गया
कि जो वो एक सफेद रंग की ऊर्जा उनके साथ कनेक्ट हुई, उस ऊर्जा के माध्यम से उन्हें ये सारी शक्तियां, ये सारी पावर्स एक सिंबल के माध्यम से उन्हें मिली। और फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करते रहे, और रिसर्च करते करते उन्होंने बहुत सारे इन चीजों के ऊपर रिसर्च करा, बहुत सारा इन चीजों पे काम करा, और फिर धीरे धीरे ये विद्या भी फैलनी शुरू हो गई, और अब भारत में भी लोग इस विद्या को जानने लग गए हैं। जो कि हमारी विद्या भारत की ही थी, लेकिन भारत पे उस पे काम ना होने के कारण डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसका पुनः आविष्कार किया, और अब ये विद्या धीरे धीरे सब जगह पे फैलती जा रही। रेकी को हम एक प्रकार से स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। रेकी ना तो कोई तंत्र है, ना तो कोई मंत्र है, ना तो कोई यंत्र है। रेकी एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमें दिव्य शक्ति, जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा से हमें मिलती है। परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर ही होता है। जब हम हमारी एनर्जीज को एनहेंस करते हैं मेडिटेशंस के माध्यम से, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर, तो वो एनर्जीज हमारे अंदर ही होती है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक शक्तियां होती हैं, बस हमें उसे समझना होता है, और रेकी के माध्यम से हम उन शक्तियों को समझते हैं। ठीक है, रेकी के अंदर हमारे जो हमारा रेकी है, इसके अंदर हमारे 5 लेवल्स होते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ रेकी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल रेकी है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल्स होते हैं। उसके अलावा मैग्निफाइड हीलिंग हो गया, वॉयलेट फ्लेम रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया। मैग्निफाइड हीलिंग भी हमारी जो है वो हमारी ट्रेडिशनल होती है। इसके अलावा हम जो भी रेकी सीखते हैं, वो सारे जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मास्टर्स की अपनी खुद की बनाया हुआ, अपनी खुद की, क्योंकि जब हम लेवल 5 करते हैं तो हम खुद के सिंबल्स बनाते हैं, और उन सिंबल्स का शक्तिपात करते हैं, उन सिंबल्स को सिद्धिकरण जिसको हम बोलते हैं, उन सिंबल्स को हम सिद्ध करते हैं, और फिर उन सिंबल्स को हम आगे आगे और बनाते चले जाते हैं।